जय हिंद साथियों। साथियों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के, जो कि 7-8 अगस्त को तमाम धांधलियों के साथ संपन्न हुई है और आप सभी ने इसका खुल करके विरोध भी किया है। वहीं साथियों अब जाकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो देखने को मिली है। ये खुशखबरी क्या है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों LT ग्रुप भर्ती परीक्षा को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब और तेजी दिखाई पड़ रही है इस भर्ती को लेकर के, तो आप जो है PGT के जस्ट बाद तैयार रहिएगा। अब हम बात करें यदि 22,000 भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो साथियों ये मुद्दा संसद में भी पेश किया जा चुका है, जहां पर साथियों काफी ज्यादा वोट इस मुद्दे के पक्ष में थे, यानी बहुत जल्द 22,000 पद भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। वहीं साथियों TGT को लेकर के बड़ी अपडेट ये है कि बहुत जल्द यानी आगामी जो है PGT परीक्षा के जस्ट बाद 21 तारीख के आसपास इसकी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी, तत्पश्चात आगामी 25 के आसपास इसकी सुनवाई होगी और जिसमें साथियों कई सारे तगड़े सबूत भी जो है वो पेश किए जाएंगे। और अच्छी खबर ये है हमारे ईमानदार और मेहनती साथियों के लिए जो चाह रहे थे कि TGT भर्ती परीक्षा रद्द हो, और उनके लिए भी जिनका कहना था कि सर हमने कई सालों की लगातार मेहनत की है इस परीक्षा के लिए, तो हमारी मेहनत बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी काफी अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। इस परीक्षा में जितने भी नकलचियों के गैंग थे, चाहे वो मुन्ना भाई हो या फिर टुन्ना भाई हो या फिर कोई और हो, एक एक करके ढूंढ के सभी को निकाला जाएगा और यदि साक्ष्य सही निकले तो चयन बोर्ड भी फंस सकता है, क्योंकि साथियों इसमें 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी पेश करने के लिए चयन बोर्ड को बोला गया है। तो साथियों ये भर्ती ओवरऑल तो नहीं बल्कि जहां का जिलाधिकारी ने रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा है वो जरूर संकट में पड़ सकती है। धन्यवाद।